उत्कृष्ट विधायक बनने के पश्चात केसकाल विधायक संतराम नेताम पहली बार विश्रामपुरी पहुंचे तो यहां समर्थकों एवं ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उनके पहुंचने से पहले ही स्वागत की तैयारी कर रखी थी। बाजे गाजे एवं पारंपरिक मंदारी नृत्य के अलावा जोरदार आतिशबाजी के साथ ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात रैली की शक्ल में साप्ताहिक बाजार स्थल पर बनाए गए मंच में उनका कार्यक्रम हुआ, जहाँ उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्कृष्ट विधायक बनने का श्रेय वे क्षेत्र के ग्रामीणों एवं मतदाताओं को देते हैं। वह क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में जोर शोर से उठाते रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद भी ज्वलंतर मुद्दों को विपक्ष की तरह उठाते रहे हैं, जिससे उन्हें अपने ही पार्टी के नेताओं का कोप भाजन होना पड़ा। किंतु इसकी परवाह ना करते हुए वे लगातार विधानसभा में प्रश्न दर प्रश्न उठाते रहे। आप उसको किस प्रकार के नौटंकी की बात कहते हैं? साथियों, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, उस तक संदेश जाना चाहिए। और आप जानते हैं, भोजराज नाग मेहनत करके नहीं बना विधायक, अनुकंपा नियुक्ति किया। जैसे कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसको अनुकंपा नियुक्ति किया जाता है। वो हमारे वो क्या नाम यार उसका, वो मंजूराम पवार भाग गया तो भागा, तो फिर ये बन गया अनुकंपा में, तो कैसे उसको दर्द तो समझ में आता नहीं। अरे जब जनता ने चलो बना भी दिया, मेरे साथ विधायक भी थे, चुप एक कोना में बैठे रहता था, वो पगड़ी को ऐसे बांधता था और नींबू को उधर काट देता था। क्या काटता था मेरे को समझ नहीं आया, क्या काट रहे हो भोजराज नाग? बोले नींबू काट रहा हूं यार संत भैया। बोले तो नींबू को काटा काटा, अंत में भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यांकन किया कि ये अंतागढ़ में कोई काम नहीं किया, इसलिए उसका टिकट को काटा कि नहीं काटा। और आज मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वहां विद्वान लोग हैं, शर्मा वर्मा चौबे द्विवेदी साहू सिन्हा, पर गांव का बेटा, गरीब का बेटा, आदिवासी बस्तर से जाकर वहां अगर अच्छा काम किया है। दो तीन दिन आप मीडिया के साथियों से पूछो, लगातार आ रहा है, सत्ता पक्ष में रहकर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता, मैं दावे कर सकता, सरकार अपनी सरकार के खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठाया। अगर धार अगर मजबूत रहता है, अगर आपका हथियार मजबूत रहता है, तो विपक्ष में रहता है, विपक्ष कुछ भी आरोप लगा सकता है, उसका धर्म है सरकार को आईना दिखा सकता है सरकार। कोंडागांव से राज शार्दुल, सीजी विजन टीवी।